जग्गा, जिसके नाम से आज भी जग्गा टैक्स मशहूर है, कसूर के करीब मौजा बुर्ज सिंहवाला में 1901-2 में एक सिख जाट ख़ानदान में जगत सिंह नामी बच्चा पैदा हुआ, जो आगे चलकर जग्गा के नाम से मशहूर हुआ। वो पंजाब का पहला डाकू था जो अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट देता था। जग्गा जट को पंजाब का रोबन हुड भी कहा जाता है। इस हवाले से पंजाबी के कई गीत मशहूर हैं। जग्गा गुज्जर को लोग जग्गा बादशाह कहकर पुकारते थे। लाहौर की ही नहीं, सूबे भर की पुलिस उसका नाम सुनकर कांप उठती थी। उसे गिरफ्तार करना शेर के शिकार जैसा था। अंदरून शेरांवाला गेट के कोमा कसाई की जग्गा ग्रुप से काफ़ी अरसा दुश्मनी रही, जिसकी भेंट दोनों पार्टियों के कई अफराद चढ़ गए और कई बार की जाने वाली सुलह की कोशिशें भी नाकाम रहीं। जग्गा गुज्जर की राइज की हुई जग्गा टैक्स की इस्तलाह आज तक मुस्तमल है। जग्गा था तो बदमाश, लेकिन उसकी ये खूबी उसे दूसरे गुंडों मवालियों से मुमताज़ करती थी कि उसके घर शाम को जो जग्गा टैक्स पहुंचता, उसमें गरीबों और बेवाओं का भी हिस्सा होता था। उसका टारगेट अमीर और सनतकार होते थे, वो गरीबों से नहीं छीनता था। जग्गा गुज्जर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। उसे उसकी वालदा बचपन में प्यार से जग्गा कहा करती थी, जिस वजह से उसका ये नाम बना। जग्गा के गुंडा बनने की कहानी भी दिलचस्प है। उसके बड़े भाई मक्खन गुज्जर को मेले में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से बदमाश अच्छू शुक्रवाला ने कत्ल कर दिया। उस वक़्त जग्गा की उम्र 14 साल थी। जग्गा ने 8 दिन बाद अपने भाई के कातिल को कत्ल कर दिया और जेल जा पहुंचा। वहां जब उसे पता चला कि कत्ल का असल मुहर्रिक शुक्रवाला था, तो उसने उसके खिलाफ़ जेल से ही एक मुनज़्ज़म कम्पेन का आगाज़ करवाया और उस पर हमला भी करवाया। बाद अज़ां 1965 की जंग के दौरान लाहौर का ये बेताज बादशाह मफरूर हो गया। बिलाखिर एक मुखबर की इतला पर उसके ठिकाने का खोज लगाया गया और पुलिस मुकाबले में वो अपनी छाती पर बेशुमार गोलियां खाने के बाद मारा गया। कहा जाता है कि उसकी लाश देखने के लिए एक लंबी कतार लग गई। लोगों को यकीन ही नहीं आता था कि जग्गा वाकई ही मर गया है। जग्गा गुज्जर पर फिल्म बनी, जिसमें जग्गा गुज्जर का किरदार सुल्तान राही ने अदा किया। ये फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई। नाज़रीन, आखिर में छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शफीक शुजात को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।